हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मो चैनल को आपमन को स्वागत करूछि। आज मो ग्रीन मसाला एग करी बनेबी। ग्रीन मसाला एग करी पाई एठी मो किछि अंडा को सिझे कि रखी छि। एठी मो ग्रीन मसाला पाई एठी किछि धनिया पत्र नि जाय छि 14 रसन कोला, गोटे इंच अदा आउ 6 लवंग, 2 कंचा लंका नि जाय छि। तार पेस्ट बनेय देबी। एठी दियो 2 प्याज रो पेस्ट बनेय दे छि, एठी 2 टमाटर रो पेस्ट बनेय दे छि, एबे आरो भी पेस्ट बनेय देबी। ग्रीन पेस्ट बनि जाय छि मोर। तबे अंडा गुड़ी को एबे मु टिके छुरी रे कट लगाई देबी, जादरा कि अंडा भाजला बेले किछि फाटिवार डर न थाए। आउ जेतेले आमे ग्रेवी बनेबा, ग्रेवी रे जेतेले अंडा को पकेबा सेतेले हमरो ग्रेवी अंडा भितर को किछिबो आउ बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो अंडा रो। तो सब अंडा गुड़ी को एमति मु कट लगाई देबी। एठी अंडा गुड़ी को भाजिया पई मु गोटे कढ़ाई गरम कर दे छी। कढ़ाई रे किछि तेल नै जाय छी। वे तेल गरम हो सारे एथेरे मो अंडा गुड़ी को पकई कि भाजी देबी। एठी अंडा गुड़ी को मोर भाजी हो सारे, तो मो अंडा गुड़ी को बाहर कर दूछे। ये मुझे कढ़ाई पुणि तेल नहीं जाइए। ये तेल गरम हो सारापर ये मुझे गोटे चामच जीरा पकई दे। जीरा फुटापर ये मुझे प्याजर पेस्ट बनई मुझे पकईदी, तो आपको भलसे भाजी देवी। देखते ये प्याज भलसे भाजी हो सारा। तो ये मुझे जो टमाटो पेस्ट बनई मुझे पकईदे, आपको ही मुझे भाजी देवी। ये भी मुझे स्वाद अनुसार लुण पकई, हलदी गुंड पकई दूची, गोटे चामच धनिया पाउडर पकई, तो आपको भलसे मिसी देवी मसला सहित। ये मोर मसला भलसे भाजी हो सारे। आम जो ग्रीन पेस्ट बनई मुझे दे दूँ, तो मसला सहित भलसे मिसेदेवी। ये गोटे रु 2 मिनिट भाजी देवी। आपको ये गोटे रु 2 मिनिट हो सारे। ये मुझे ग्रेवी पा दे दूँ। ये मुझे ग्रेवी गोटे ग्लास पा यूज कर आपण को अनुसार आप ग्रेवी पानी दे पारे। ये देखते मोर ग्रेटा फुटि आसला। ये मुझे भाजिकी रखि अंडा गुड़िक पकईदे। ये लो मीडियम फ्लेम रे आपको मुझे 4-5 मिनिट कुक करदेवि। ये मुझे गोटे चामच गरम मसला पकईदेवि। तो मसला को भल से मिसे देबी ग्रेवी सहित। एबे मु ग्रेवी को अंडा ऊपर टिके टिके दे दोची, जा फलरे हम अंडा जो कट लगाइथिले से भितरु ग्रेवीटा जीव आ खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिवो। एबे मोर ग्रीन मसला एक करी रेडी सरची। देखिपड़ते के बढ़िया कलर आर ग्रीन ग्रीन। जदि मोर रेसीपीटी आपको भल लगी मो वीडियो को लाइक करदे, कमेंट करके कहते कमी लगला, आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। रोचे, धन्यवाद।